तो जय हिंद, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सत्यम गर्ग और मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ उपस्थित क्या हैं श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, पूर्व विधायक मुरैना एवं वर्तमान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अध्यक्ष मध्य प्रदेश। तो सर, पूरे गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन और पूरे हमारे जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं उन सबकी तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत के लिए हम एक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके राजनीतिक सफर का शुरुआत हुई और किस तरीके से आपने कई सारे दायित्व, जैसे कि हमने जाना कि आप पूर्व विधायक रहे मुरैना के एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, तो किस तरीके से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और किस तरीके से आपने इतने सारे पदों का निर्वहन किया? मैं छात्र राजनीति से ही संगठन के प्रति सजग रहा, क्योंकि कॉलेज में राजनीति चालू की हमने। कॉलेज से फिर विश्वविद्यालय की राजनीति में आए, फिर पार्टी, चूंकि पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन में मुझे जो दायित्व दिया गया, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उसके तहत मैंने संपूर्ण जिले में युवाओं को, नौजवानों की टीम तैयार की, उनको जोड़ने का काम किया और उनको मोटिवेट किया। कार्यकर्ता युवा द्रवीभूत न हो, उसे एकजुट करने का काम संगठन के माध्यम से हमने किया। यहाँ नौजवान हैं जो कॉलेज में जाते हैं, उन्हें मोटिवेट किया शिक्षा के प्रति, जो संगठन में जाते हैं वो संगठन के प्रति, जिस क्षेत्र में उन्हें जाना चाहती है उन्हें उस दिशा में मोटिवेट करने का काम किया। उसके बाद मैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के मैं भी प्रवेश में रहता था, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, संपूर्ण जिले में जिला पंचायत की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों का सामूहिक रूप से मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। और त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति होता है उसकी मदद करने का प्रयास किया जाता है संगठनों में भी, और प्रदेश में भी संगठन में पैदल में रहने का मौका मिला। इस बीच में तमाम सारे नौजवान साथियों को हमने मोटिवेट किया, उन्हें नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, जहाँ जहाँ उनने हमसे मार्गदर्शन लिया उनको उचित मंच पर उचित सलाह देने का काम किया। आज चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहा, उसके बाद हम सब लोग किसी न परिस्थितियों बस, चूंकि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग कांग्रेस में थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे थे, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की समस्याएं, जनमत समस्याओं को लेकर हम संघर्ष करते थे, हम सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। क्योंकि आज मैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का चेयरमैन हूँ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो हम उस माध्यम से, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसके माध्यम से, हम क्षेत्र के नौजवानों की, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, जैसा कि हमें जाना आपके बारे में कि आपने कई सारे मतलब छात्र राजनीति से शुरू करके अपने सफर को प्रारंभ किया और आज यहाँ तक आपने सफर को तय किया, परंतु सर हम एक बात जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस में रहकर कहीं ना कहीं आपके जो हम कह सकते हैं कि लोगों के जो सेवा करने का जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाया, तो सर उनमें मुख्य रूप से क्या ऐसी परेशानियां थी, क्या ऐसी कठिनाइयां थी, या फिर हम कह सकते हैं कौन सी ऐसी कड़ियां थी जिस वजह से आपको बंधा रखा हुआ था जनता की सेवा ना कर पाने से कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, जो पार्टी ने वादे किए थे किसानों के कर्ज के माफी के, बेरोजगारों को रोजगार देने का, और तमाम सारे वादे थे, क्षेत्र के विकास की बात थी, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। हमने 1-1.5 साल देखा, तमाम समस्याओं को उचित मंच पर रखा भी, हमने अपने नेता श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी के माध्यम से रखा, लेकिन वो समस्याएं हल नहीं हो रही थी। एक मेरी ही नहीं थी, ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सारे एमएलए थे, उनकी समस्याएं थी और उन समस्याओं को लेकर जाते थे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब ही नहीं मिलता था।
लोग परेशान थे क्षेत्र में, चूंकि जनता ने हमको प्रतिनिधि चुना है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ हम वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराएं। बिल्कुल। पर सर, हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, और कहीं ना कहीं आप जैसे जो सुविचार रखने वाले, लोगों का हित चाहने वाले जो नेता थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा करके जनता ने कांग्रेस पार्टी को इतनी ऐतिहासिक जीत के साथ मध्य प्रदेश में लाया था। परंतु इस तरीके की चीजें अगर पार्टी के अंदर थी, और आप जैसे हितैषी नेता अगर जनता का हित चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही रह के वो चीज कभी उजागर क्यों नहीं की गई, और पार्टी से बदलने के बाद ही इन सब चीजों का प्रश्न क्यों उठा? नहीं, पार्टी में रह के 1.5 साल तक हमने कोशिश की पूरी। ऐसा नहीं है कि पार्टी के उचित मंच पर हमने वो चीजें नहीं रखी, समय समय पर वो बातें रखी, जो समस्याएं थी, जो विकास की बातें थी, ये क्षेत्र के लोगों से हमने वादे किए थे, वो वादे, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी, इसलिए निर्णय लेने पड़े। क्योंकि एक मेरी ही समस्या नहीं थी, पूरे संभाग के तमाम सारे, ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम सारे एमएलए हैं उनकी, और जो लोग पहली बार बनते हैं उनमें काम करने की ललक होती है, अपने क्षेत्र में जो वादे किए हैं उन्हें वादे पूरा करने की प्रयास होता है। क्योंकि वादे पूरे नहीं होंगे, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्षेत्र की विकास की बातें हैं वो पूरी नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। सर, कहीं ना कहीं अगर हम छात्र राजनीति को अगर आज के समय में देखते हैं, तो हमें बहुत ही दुखद एहसास होता है। मतलब मैं अभी ग्वालियर का ही एक जिवाजी यूनिवर्सिटी का किस्सा बताना चाहता हूँ, कि जिसमें कुछ छात्र ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे थे, परंतु जब कलेक्टर महोदय वहां पर उनसे पूछने गए कि आप किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं और क्या आप उस कॉलेज के छात्र हैं कि नहीं, तो सबसे बड़ी दुविधा की बात यह थी कि काफी सारे लोग उसमें से उस कॉलेज के छात्र थे ही नहीं, और उनका यह कहना था कि वो लोग सिर्फ छात्रों का निर्वाहन करने के लिए, उन लोगों की मांगों को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि वो खुद छात्र नहीं है। तो छात्र राजनीति के अंदर ये किस तरीके का पड़ाव है कि जो खुद छात्र नहीं है उनको छात्र निर्वाहन के लिए भेजा जाता है? एक्चुअल क्या है, जो छात्र है और संगठन है वो अपनी जल्दी और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दूसरों के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। पहले आंदोलन होते थे, उसकी एक रूपरेखा बनती थी, कोई कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बना के तमाम सारे संगठन के लोग बैठते थे और आपस में बैठ के फिर प्रशासन को पहले चेतावनी देते थे, अवगत कराते थे, पहले प्रिंसिपल को हम ज्ञापन देते थे, फिर जिला प्रशासन को देते थे, उसके बाद विश्वविद्यालय की तरफ मूव करते थे। लेकिन कुछ नेता है जो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जल्दी नेता बनना चाहते हैं और दूसरों के कार्यक्रम को हाईजेक करना चाहते हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षा है उनकी बड़ी हुई है, वहां भी जो पढ़ने वाले छात्र है वो भी नेता है। आप पहले से छात्र, पूर्व छात्र है, आपने किसी से परमिशन ली क्या नहीं, आप बफर करने पहुंच गए वहां, माहौल को खराब करने के लिए पहुंच गए। छात्रों की मांगे ऐसे थोड़ी पूरी होती हैं, छात्रों की मांगे हैं उन्हें उचित मंच पर रखा जाएगा। अब एकदम सुबह पेपर है, आप 2 घंटे पहले ही पहुंच गए, नहीं साहब ऐसे नहीं, ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा भाई। ये चीजें पहले से निर्धारित है कि ऑनलाइन पेपर होंगे, या इसमें जो कठिनाई आ रही है उसको हमको बताना पड़ेगा, प्रशासन को और विश्वविद्यालय को भी बताना पड़ेगा कि साहब ये जो परेशानी आ रही है इसका समाधान होना चाहिए, अगर नहीं हो चेतावनी देंगे उसके बाद हम, अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। अब वैसे ही पहुंच जाए, प्रशासन को भी परेशान करें और छात्र छात्राओं को परेशान करें, अब तो इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन लेता है। पर सर, इस किस्से में अगर हमने देखा तो जो सत्ता राजनीति में अभी है मध्य प्रदेश शासन में, उन्हीं सत्ता के जो प्रतिनिधित्व, छात्र प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं उन्हीं से संबंध रखते थे। तो अगर जब एक पार्टी अगर इतनी सजग है और इतनी ज्यादा निष्ठावान है, तो फिर उन्हीं के कार्यकर्ता इस तरीके की चीजें करते हुए क्यों पाए गए? मैं नहीं समझता, देखो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं द्रव्यमित हो जाती है, लेकिन अगर वो छात्र है वास्तव में छात्रों की राजनीति करते हैं। अब जैसे एनएसयूआई वाले हैं, वो अपने संगठन जनसेवा का जो काम है उनका, उसको न करते हुए जैसे ही कि कोई आंदोलन उनको दिखता है एकदम कूद पड़ते हैं। आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए, आप रक्तदान के कार्यक्रम किए, आपके स्वच्छता के कार्यक्रम है, ये ऐसे कार्यक्रम करो जिससे
जो जनता के हित के कार्यक्रम है, छात्रों के एडमिशन होती है उसमें सहभागिता रखे, लोगों की मदद करे, उनको प्रवेश दिलाने का काम करे, उनकी जो समस्याएं आ रही है फीस में है, समस्या आ रही है उन समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। जब अंतिम विकल्प होता है परीक्षा, उस बीच में अगर उस आंदोलन में आप कूद पड़ेंगे, अगर परीक्षा में कोई दिक्कत आ रही है तो परीक्षा में वो परीक्षार्थी हैं वो सब मिलकर वहां के प्रशासन से, कॉलेज का प्रशासन हो या विश्वविद्यालय का प्रशासन हो, उसके समक्ष में बात रखें। अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तब आप आंदोलन करें। अब ऐसे ही आगे भगदड़ मचाने से, माहौल खराब करने से तो काम चलेगा नहीं। अब ये आजकल जो जो ट्रेंड चल रहा है उसी पर सभी छात्र चल रहे हैं, लेकिन पहले भी छात्र राजनीति हुआ करती थी और जिसमें तमाम सारे छात्र नेता पैदा हुए। आज की स्थिति क्या है, थोड़े चल के वही की वही कोई छात्र नेता राजनीति में निकल कर सामने नहीं आ रहा। अगर निकल के आ रहा हो या पार्टी विशेषता या अपनी पहचान बनाया, स्वयं की पहचान बनाई हो, जब दलगत राजनीति से ऊपर हटकर वो छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बताई हो तो बताए। बिल्कुल, पर सर हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमें जैसे आज कोई भी सत्ता अगर हमारे पास में रही हो, पर किसी ने भी छात्रों की अगर बात शिक्षा की अगर आती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ही लापरवाही बरती है, भले ही वो कोई भी पार्टी हो। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं कहूंगा, परंतु कहीं ना कहीं आज जैसे हम अगर ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को देखते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है कि अगर कोई एक छात्र अगर जाता है एडमिशन के लिए किसी काम के लिए और वो उस जगह से वाकिफ नहीं है, उस जगह का उसको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका एक हफ्ता चक्कर काटने में ही निकल जाता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तो इसके लिए किसी भी सरकार या किसी भी प्रशासन ने इस तरीके का कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया और उसके लिए कोई एक सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, जैसे कोई भी नया छात्र एडमिशन लेता है, आप कॉलेज कैंपस में पहुंचोगे, निश्चित रूप से वहाँ सब जगह पूछताछ केंद्र बने हुए हैं, आपका डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट के आप एडमिशन ले रहे हो उस डिपार्टमेंट में जाइए। आप द्रविड़ क्यों हो रहे हैं चारों तरफ भटकने से? तो और तमाम लोग बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है आप किसी से अच्छी मानसिकता से पूछेंगे तो निश्चित रूप से सलाह अच्छी देगा, जो गलत मानसिकता से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका द्रवित करने का कोशिश करेंगे। लाइन आपकी सही होनी चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप पढ़ाई के मूड में जा रहे हैं या छात्र राजनीति के मूड में जा रहे हैं या किस उसमें। और आपको एडमिशन लेना है, आपका फॉर्म जमा होगा, आपकी फीस जमा होगी, आपको क्लास पता होगा कि आप उस क्लास में जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं उस रूप में छात्र राजनीति करनी है तो उसका मोटिवेट सही नहीं है। सर जैसे कि आपने विभाग की बात की तो मैं एक अपना ही एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरीके से मतलब मेरी एक डिग्री समाप्त हुई और उसके लिए मुझे कुछ कागज चाहिए थे मेरे एग्जाम में लगाने के लिए, जिसके लिए मैं निश्चित विभाग के पास जाके उनके पास एक अपनी चिट्ठी दी और उनसे कहा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट को प्रकाशित प्रेषित करें मुझे, जिससे मुझे अपने एग्जाम में कठिनाई ना हो। परंतु उसके बावजूद भी उसको आने में सर हफ्ता भर लग गया, जिस कारण से मुझे अपने परीक्षा की जो इंटरव्यू की जो डेट थी साक्षात्कार की उसको आगे बढ़ानी पड़ी और कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे बहुत कठिनाई महसूस हुई। तो इसके लिए जब मैंने ऊंचे विभाग तक जाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया या मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो ये बीच का जो एक गैप है इसके लिए सिस्टम ने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, लेना चाहिए। जैसे कभी कभी विश्वविद्यालय के अच्छे यूथ के जो छात्र हैं वो छात्र है, उनके से संपर्क करते हैं, लेकिन वो उचित सलाह भी देती है। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छे छात्र भी है, अच्छे लीडर भी है, आप उनसे मदद मांगी होगी तो निश्चित रूप से आपके काम को कराने का वो प्रयास करते हैं। बहुत सारे छात्र नेता रहे हैं, उन्होंने लोगों की मदद करने का प्रयास किया, उनका नाम भी हुआ है कि हाँ भैया उसके पास चले जाओ, फलाने आदमी के वो आपकी मदद कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये फलाना वो अपने किसी भी बंदे को भेजेगा और निश्चित रूप से आपका काम कराने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है वो अधिकारी से भी बात करेगा, कर्मचारी है उससे भी बात करेगा, आपके किसी न किसी रूप में आपके काम कराने का प्रयास करेगा वो, अगर वो वास्तव में नेता है। नहीं है तो वो भी टरकाएगा, जैसे आपको और लोगों ने द्रविड़ किया है, नहीं कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, ऐसे ही। लेकिन
अगर वो छात्र नेता है, अपने आप को छात्र नेता कहता है, तो लेकिन उसकी बात मानी जाएगी, वो आपके काम को निश्चित रूप से करवा के देगा। कहीं ना कहीं अगर कॉलेज में छात्र राजनीति के जो इलेक्शन होते हैं उनकी बात आती है, तो उसमें जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे उनके बीच में चुनाव करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के जो रिकॉर्ड होते हैं वो शिक्षण से ना जुड़े होके अन्य चीजों में काफी ज्यादा प्रेषित होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई गैर कानूनी केस चल रहा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां के जो शिक्षक हैं कहीं वो उनसे खफा होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ सत्ता का जोर, या फिर हम कह सकते हैं कुछ पावर का जोर जो उनके लोगों के साथ में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं उनको उनसे डर भय होता है, और कहीं ना कहीं उनके आवाज वो उन तक नहीं ले जा पाते हैं। तो इस विषय में छात्रों का जो समाधान है वो किस प्रकार से हो? आजकल क्या है, इलेक्शन की पद्धति चेंज हो गई है। पहले ओपन चुनाव होता था, चाहे जो चुनाव लड़ना चाहता था वो चुनाव लड़ लेता था। लेकिन अब एक तो स्वच्छ छवि हो, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, उसकी हाई स्कूल या इंटर में टॉप हो, उसको वो देखते हैं। और उसके बाद सभी छात्रों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल सीआर और बनते हैं वो ही वोट डालते हैं। अब प्रक्रिया बहुत संकुचित हो गई है, और इस संकुचित प्रक्रिया में वो जिस तरह का प्रतिनिधि बनना चाहता है उतना प्रतिनिधि नहीं बन पाता, उसकी आवाज उतनी बुलंदता से नहीं आ पाती है, क्योंकि वो बढ़ने वाला छात्र है, वो उसका सारा ध्यान शिक्षा की तरफ जाता है। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो सब तरह से चारों तरफ से घाम के सब तरफ से आते हैं, उन्हें पता है कि छात्र राजनीति किस तरह की जाएगी, काम किस तरह से निकाले जाएंगे। लेकिन जो अंकों के आधार पर जो प्रतिनिधि बनते हैं वो कर्मचारी अधिकारियों के सामने वो उस आवाज को नहीं रख पाते जो रखने चाहिए, क्योंकि उसकी दमकता वो रहती नहीं है। वो वही की वही उसको समझा दिया, तुमको पढ़ना है क्या, आप बताइए आपको क्लास लेना है क्या, उसको वही की वही दाब दिया जाता है, उसकी आवाज दब दब जाती है। और पहले जो छात्र हुआ करते ओपन जब चुनाव होता था उसमें सभी तरह के छात्र आते थे, और उनका एक यूनिटी होती थी, वो मोटिवेट करते थे और मूव के साथ प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करते थे, अपने छात्रों के हित में काम करते थे। जब भी कोई समस्या आती थी वो एक आंदोलन खड़ा करते थे, बड़ी समस्या है तो बड़ा आंदोलन है, छोटी समस्या है तो छोटा ज्ञापन, और कॉलेज के प्रशासन को और फिर जिला प्रशासन को हम लोग टाइम देते थे, 3 दिन का, 7 दिन का, या जो भी अल्टीमेट देते थे कि हमारी मांगे मानी जाए नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो उस बीच में हमारी मांगों को स्वीकार भी किया जाता था, नहीं नहीं करते थे तो सभी छात्र लीडर जो है वो बैठ कर एक रणनीति बनाते थे, रणनीति के तहत हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे। आज तो क्या हो गया है कि जो स्थिति बन गई है कि धरना प्रदर्शन तो सीधे आंदोलन पे आ जाते हैं और मोटिवेट करते हैं। और जो पढ़ने वाले लड़के हैं, अब जब लाठीचार्ज या धारा 144 होती है उसमें वो तो सड़क जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो उस आंदोलन में बेचारा उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको लाया गया है, वो फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए। तो आने वाले समय में इस तरह की राजनीति चल रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो छात्र नेता होते हैं वो उस दबंगी से अपनी बात जो है शिक्षकों के समक्ष नहीं रख पाते हैं, जिसका कारण जो सभी छात्र हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सर, छात्र नेता के अंदर आपके हिसाब से क्या खूबियां होनी चाहिए? क्या उसके अंदर दबंगी और गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए, या फिर उसका शैक्षणिक जो योग्यता है वो बहुत निपुण होनी चाहिए, या फिर इन दोनों का मिला जुला संगम होना चाहिए? नहीं, अच्छा छात्र नेता है उसमें एक तो अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे, सभी को, जो छात्र है उन्हें लगना चाहिए कि ये हमारा नेतृत्व तो कर सकता है, उसकी आवाज में थोड़ा सा गंभीरता हो कि भाई हम जिसे लीडर बना रहे हैं वो लीडर हमारी आवाज को उचित मंच पर पहुंचा भी पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, हम लोगों को मदद कर पाएगा कि नहीं, ये भी देखी जाएगी कि जो छात्र है कि वो बोलने में, सामने पक्ष रखने में किस तरह का है, किस तरह प्रशासन को अपनी बातों से या अपनी मांगों को मनवाने की क्षमता रखता है कि नहीं, इस तरह के छात्र होना चाहिए। और थोड़ा सा उसमें प्रेशर की भी पॉलिटिक्स करें,
कभी कभी जरूरत पड़ती है, उसकी भी जरूरत पड़ती है तो उसका भी प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। अब पता पड़ा कि वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो छात्र, छात्रों के बीच में जो छात्र नेता अपना प्रभाव छोड़े, और प्रशासन पे को भी लगना चाहिए कि हाँ यही छात्र लीडर है, अगर इसकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये आंदोलन के लिए लोगों को मोटिवेट कर देगा। प्रशासन को लगेगा तो निश्चित रूप से हमारी बातें मानी जाएंगी। अब प्रशासन को ये लगेगा कि वैसे डर के भग जाएगा, या तो जो छात्रों की बातें कैसे संभव होंगी। तो इसलिए छात्र नेता छात्रों के बीच में अपनी बात को मजबूती से रखे, प्रशासन के सामने अपनी बातों को मजबूत रखे, कॉलेज में अपनी बातों को, कॉलेज में छात्रों की समस्याओं के लिए लड़े। संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें संघर्ष में तमाम तरह की रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से हमको निकल के आना पड़ेगा। हम एक धारदार छात्र नेता तैयार होंगे, और निश्चित रूप से जो छात्र नेता बन जाता है आगे राजनीति में वो हमेशा बड़े इलेक्शन लड़ता है। जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सभी छात्र नेता रहे हैं, वो छात्र लीडरशिप से ही आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हम देखते हैं कि 1987 में जो बहुजन अल्पसंख्यक जो थे, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, उन लोगों के लिए कोटा लाया गया था। लेकिन अगर उससे पीछे हम थोड़ा सा जाते हैं तो जो हमारे एससी और एसटी जो आते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्वेशन, जो आरक्षण जो था, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 6-7 महीने या फिर हम कह सकते हैं लगभग साल भर के लिए रखा गया था। परंतु राजनीतिक मुद्दों के चलते ये आरक्षण की सीमा बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज तक ये चीज हमारे यहाँ पर है कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का अगर श्रेय कोई यूथ अगर किसी को देता है तो वो होता है आपके आरक्षण को। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं या फिर हम कहते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस बेसिस पे भी आते हैं कि जिसके बहुत संपन्न परिवार होते हैं और बहुत ही संपन्न घराने संबंध रखते हैं, परंतु कुछ सामान्य और कुछ ओबीसी ऐसे भी होते हैं जिसके पास पर्याप्त धन नहीं होता अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए। तो आज तक इसके ऊपर किसी सरकार ने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि जो आरक्षण है वो हम जाति के आधार पर ना देके, धर्म के आधार पर ना देके, हम उनकी आय और उनकी योग्यता के ऊपर दें। देखो, आरक्षण संविधान में पहले से ही लागू है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए शुरू से ही आरक्षण है। वो उनकी, जब आपने देखा होगा कॉलेज में लिस्ट लगती है तो उनके पहले से ही आरक्षण है, इतनी सीटें इसमें, इतनी सीटें इसमें है। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए बाद में आरक्षण हुए हैं, और तो एक आरक्षण की प्रक्रिया पहले से है। अब चूंकि तमाम सारे संगठन, तमाम सारी पार्टियां अपने अपने उचित मंच पर, उचित समय पर ये बात कही है, तमाम छात्र नेताओं ने आंदोलन के माध्यम से ये जो बातें आपने कही है वो रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान आड़े आ जाता है उनके। अब संविधान से बाहर तो जा नहीं सकते, जो संविधान में प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का सभी लोग पालन करते हैं, और सभी पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए इस आरक्षण में मूक दर्शक भी बन जाती हैं। बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा, मैंने इससे पहले बोला जो आरक्षण जो था वो हमें 10 साल तक के लिए दिया गया था, परंतु आज 70 साल 72 साल हुए हमें आजादी को हुए, परंतु आज भी वो श्रृंखला वैसी ही चली आ रही है। सर, अगर हमने काफी सारे बदलाव किए हैं अपने आसपास में, अगर हम कहें कि हम डिजिटल हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम काफी देशों से आगे चल रहे हैं, परंतु आज भी जो पद्धतियां हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक है या फिर हम कह सकते हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने की जो पद्धति चल रही है वो पुरानी, 70-72 साल पुरानी ही क्यों, उसके ऊपर आज तक कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया? नहीं, लेकिन क्या है, आपने देखा हर साल कोई चीज है वो बढ़ा दी जाती है। अब 10 साल के लिए आरक्षण था, उसे आगे कंटिन्यू किया गया। जब सरकारें चाह रही, सरकार की मंशा है कि आरक्षण लागू रहे, तो इसमें तमाम सारे आपने देखे वो आंदोलन हुए हों, वो आंदोलनों के बाद भी वो आरक्षण बरकरार रहे। तो ये प्रक्रिया को इतना खत्म करना इतना आसान नहीं है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। आरक्षण की प्रक्रिया को इतनी जल्दी खत्म कर दें, आर्थिक आधार, सामाजिक उस पर करते हैं, ये कहने में, और सभी, किसी भी पार्टी की सरकार हो वो नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो।
पार्टी की सरकार हो, वो नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो। और आरक्षण आपने देखा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो ये चीजें संविधान भी अपना सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि आरक्षण कितनी परसेंटेज तक हो गया। अभी आपके ये चुनाव है, ये किस वजह से चले हैं अपने मध्य प्रदेश के आरक्षण के आधार पे ही इनका, पहले उनको मिला था पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सीटें आरक्षित थी, वो आरक्षण को खत्म करके उनको उन्हीं सीटों पे। तो इस वजह से आपने देखा कि आरक्षण की वजह से ही ये चुनाव आगे टल गए। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत समय लगेगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सारी पार्टियां जो हैं जनहित और देश हित में कार्य करती हैं, और इसी के साथ हमारी जो वर्तमान पार्टी है उन्होंने काफी सारे बदलाव किए, जैसे कि धारा 370 को हटाना और जीएसटी बिल को लाना, डिमोनेटाइजेशन यानी कि आपका जो विमुद्रीकरण है उसको करना, और काफी सारी अन्य पॉलिसी जिससे लोगों को जनहित को राहत मिले। परंतु अगर आपके हिसाब से, मतलब आपने कहा कि आज आरक्षण की वजह से इतना सारा नुकसान हुआ कि भाई कहीं ना कहीं हमें इलेक्शंस को आगे बढ़ाना पड़ा, कि जिसके ऊपर इलेक्शंस के ऊपर जो इतना सारा खर्चा किया जाता है वो बर्बाद होकर हमें दोबारा उस प्रक्रिया में लाना पड़ेगा। और जैसा कि सर, अगर हम शिक्षण की बात करते तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं मुफ्त किताबें एवं कॉपियां बांटी जाती थी, परंतु उसमें से एक सामान्य वर्ग का छात्र था जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, और हमने कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास किया कि उसको वो सुविधा उपलब्ध हो सके, बट कहीं ना कहीं वो उस सुविधा उसको नहीं मिल सकी क्योंकि वो सामान्य जाति का था और वो जो योजना थी वो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए ही थी। तो सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सामान्य के जो बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी है? नहीं, अब आपने कहा धारा 370 हटाई, बहुमत की सरकार थी, अगर उनके एजेंडे में धारा 370 थी, अयोध्या का राम मंदिर था, तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जोड़े थे। तो जब सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने किए। अब आरक्षण का मुद्दा कोई मैनिफेस्टो में कौन लेता है, आप बताइए। सरकार को लगेगा कि इसको हटाना है तो निश्चित रूप से वो उसमें पहल करेंगे। और जो ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के अति पिछड़े लोग हैं वो गरीब नहीं है, वो भी गरीब है, उनको भी ये सुविधा उपलब्ध है। अब ईडब्ल्यूएस के माध्यम से है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलती है, तो उनको भी ये व्यवस्था बनाई है सरकार ने, तो उनको भी मुफ्त में ये किताब है। और अब तो आजकल तो आपने देखी सभी बच्चों की फीसें भी कितनी कम हो गई हैं, उनको मुक्त है। तो इनका भी सरकार ने ख्याल रखा है और आगे भी रखेंगे। आपके जो सुझाव होंगे निश्चित रूप से सरकार के पास हम जैसे लोग हैं वो पहुंचाएंगे, आपकी जो विचार है उनको जनता के बीच में या सरकार के माध्यम से हमारे माध्यम से जाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें सरकार उस पर विचार भी कर सकती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण को लेकर कभी कोई वादा नहीं करती है, और कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि आरक्षण कभी खत्म हो। मुद्दा कोई भी हो सकता है, उसका कारण कोई भी हो सकता है, पर ये वाकई एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आरक्षण से हम घिरे हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि आने वाले सालों तक भी हम इससे उभर पाएंगे। परंतु एक प्रश्न सबसे बड़ा उठता है कि आज हमारे देश को चलाने वाले जो हमारे ब्यूरोक्रेट यानी आईएएस आईपीएस होते हैं, उनके जो चयनित होने का जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं हम उसमें देखते हैं कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के जो नंबर होते हैं कहीं ना कहीं वो 70, 75, 80 के लगभग आते हैं, और अगर ईडब्ल्यूएस को सामान्य की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 130, 135 या फिर कभी कभी 150 तक भी चला जाता है। तो इसके जो नंबरों के बीच का जो इतना बड़ा गैप है जो कि सिर्फ जातिगत आधार पर है, तो ये भेदभाव क्यों? अगर जातिगत आधार पे है तो योग्यता के बेस पर, योग्यता के वर्ण पर कभी इस चीज को क्यों नहीं लाया गया? चयन प्रक्रिया आज से तो लागू है नहीं, पहले से ही लागू है आईएएस आईपीएस जो भी जो प्रक्रिया है, और इनका मापदंड है जो जिस जितनी सीट है जिसमें आरक्षित है वो उनसे ज्यादा तो कहीं हुआ नहीं है। क्योंकि सामान्य में भी अच्छे लोग हैं या गरीब लोग भी निकल के आए हैं और उनको भी ये अवसर मिले हैं।
और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं कभी कभी, लेकिन सीटें उतनी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आरक्षण में भर देती है तो अच्छे लोग भी उसमें रुक जाते हैं। तो ये प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी, इसे तो सरकारें ही खत्म करेंगी। संविधान ने जो आरक्षण दिया है वो IAS IPS के लिए, और जिस स्टेट में जितनी सीट रिजर्व है वो पहले से ही निर्धारित है, उसमें किसी चीज को खत्म करना या निर्धन व्यक्ति को सामान्य को SC ST में लेना ये संभव होता नहीं है। या आप भी जानते हैं ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत तो जो काम हो रहे हैं उन्हीं के तहत वो हो रहे हैं। तो हम वही देखते हैं सर कि काफी सारी जटिल प्रयास ऐसे थे, जैसे अगर हम बात करते GST की, तो करीब दो सरकारें इस तरीके की रहीं कि कहीं ना कहीं GST का बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन जो आगामी सरकार थी भाजपा की, उन्होंने इस चीज को कर दिखाया और कहीं ना कहीं हम GST के अंदर काफी लाभान्वित हुए और जनता को काफी लाभ हुआ है। तो जब जनता के लाभ के लिए सरकार इतने कदम उठाती है, तो आज कहीं ना कहीं छात्र हित और देश हित के लिए इस छोटी सी श्रृंखला, जो कि आपने कहा कि पुराने समय से, हाँ, अंग्रेजों के शासन काल से चली आ रही है, तो अंग्रेजों के शासन काल की हमने हर एक चीज को डिजिटल कर दिया, मॉडर्न कर दिया, तो इस पद्धति को हमने क्यों कायम रखा और कहीं ना कहीं हर किसी पार्टी ने इस चीज को कायम रखा, तो उसका मूलभूत कारण क्या रहा है? ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जब पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से GST पे उन्होंने काम किया, अन्य विषयों पे भी काम हुए हैं। सरकार के सोच रही है, विचार कर रहे हैं आगे आने वाले समय में हो सकता है ये चीजें भी हो उचित समय पे। अब समय आ रही है, कुछ जो घोषणाएं हुई है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है, आगे और भी घोषणाएं होंगी और भी निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ेंगी, निश्चित रूप से 2024 में और अच्छे निर्णय हो। तो इस चीज में सबको साथ लेकर ही काम किया जाता है, जब सबका साथ मिलता है तो निश्चित रूप से निर्णय भी अच्छे सकारात्मक होते हैं। सर, जैसा कि हमने जाना आपका कि आप मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नहीं, चेयरमैन पिछड़ा हैं। वर्ग, हाँ जी, पिछड़ा माफ वर्ग कीजिएगा, एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। जी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। तो सर, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि उनके विकास के लिए एवं उनके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए एवं उनकी बेहतर प्रगति के लिए आज भाजपा सरकार एवं आपके नेतृत्व के अंदर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, जिससे कि आगे चल के काफी सारे लोग लाभान्वित होंगे। साहब, पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए छात्रावास बनाए गए हैं, आपके पहले छात्रवृत्तियां मिलती हैं, आपके अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों में केंद्र सरकार द्वारा तमाम सारा फंड आता है। अभी पहले हमारे पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए लोन की सुविधा थी, वो सुविधाएं अब फिर द्वारा बरकरार की जा रही हैं। अभी कुछ समय के लिए मंत्रालय में वो कर दी थी, इस वजह से रुकी थी, लेकिन आने वाले समय में आपको देखेंगे जो गरीब तबके के लोग, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें वो सुविधा द्वारा से मिलने लगेंगी। तमाम सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हम मुहर्रम कराने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा चहुंमुखी विकास होगा। सर, प्रश्नों की श्रृंखला में एक अंतिम प्रश्न ये आता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे सरकार और जितनी भी सरकार रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को काफी सारी योजनाएं और काफी सारे उनके अधिकार दिए हैं, जिसमें कि उनका एक अधिकार ऐसा होता है कि अगर कोई भी उनको किसी गलत शब्द से उच्चारित करता है, मतलब उनको पुकारता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक केस दायर होता है जिसमें कि जमानत नहीं होती है। लेकिन हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को देखें, तो काफी सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं वो केस झूठा लगाया गया एवं किसी निजी दुश्मनी को निकालने के लिए लगाया गया, परंतु उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई हुई भी तो कहीं ना कहीं उस चीज में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इस चीज को आप किसका नुकसान मानते हैं, और ये चीज को अगर हम सही करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इस चीज को बदला जा सकता है? अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें क्या कह सकते हैं हम सब लोग, आप भी जानते हो इस चीज से सब लोग गुजरते हैं। इसमें कहीं ना कहीं
हो सकता है नाइंसाफी हो जाती है। लेकिन अब सरकार ने SC ST एक्ट में भी संशोधन किया है, उसमें अब सामान्य वर्ग के लोगों के भी बयान होते हैं और प्रकरण जांच में भी जाते हैं, न्याय होता है। अगर झूठे केस भी लग जाते हैं तो उसमें सरकार जांच के द्वारा भी उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है, और कोर्ट भी समझता है कि जो झूठा प्रकरण है तो कोर्ट निष्पक्ष फैसला देता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ की वजह से किसी पर झूठा प्रकरण कराएं, लेकिन न्याय के दरवाजे पर जब जाती है तो न्याय भी साफ सुथरा ही मिलता है और न्याय बिल्कुल निष्पक्ष रहता है। न्याय प्रक्रिया में अपन विश्वास रखते हैं, जो निर्णय हमारे जज महोदय का रहता है तो वो निर्णय अंतिम निर्णय होता है, उसमें हम सब लोग संतुष्ट रहते हैं कि हाँ हमारे साथ न्याय मिला है। हो सकता है कहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको न्याय अंतिम समय में न्याय मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है, उसे हमेशा न्याय मिला है। अगर उस पर झूठा प्रकरण लगा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं उसे न्याय मिलेगा। अगर जिले में नहीं है तो आपको हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन निर्णय सही आया है। हमेशा निर्णय सही होते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को द्रवित किया जाता है लेकिन पक्ष रखा जाता है, तो हम अंतिम निर्णय आपने देखा होगा सत्य की जीत हुई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन युवाओं के जो सजीव युवाओं की जो कला है, उनकी जो खूबियां हैं, उनको सजीवित करने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम कई सारे सेशंस का आह्वान करते हैं। और अभी तक हमने लॉकडाउन से लेकर अभी तक करीब 300 सेशंस ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा चुके हैं, युवाओं तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें कि हमारे काफी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए IAS IPS हैं, एवं अगर उद्योग से हम देखते हैं तो काफी सारे उद्योगपति और काफी सारे स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स और CEOs को हमने इनवाइट किया है, और उनको युवाओं को ये बताया कि कहाँ से कहाँ उनके जो सवाल होते हैं, कि किस तरीके से एक बिजनेस की शुरुआत होती है, किस तरीके से उनको क्या कठिनाइयां आती है, किस तरीके से वो उससे निकल सकते हैं। तो उस चीज से हमने युवाओं को अवगत कराया। इसी के साथ हमने एक श्रृंखला शुरू की, सफरनामा, कि जिसमें हम इस कार्यक्रम को चलाते आए हैं, और इस कार्यक्रम जैसे यूथ विद पॉलिटिक्स, जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आज आए हैं, तो इसका हमारा मेन उद्देश्य यही था कि मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं हम जो युवा हैं उन तक राजनीति की जो असल सच्चाई है वो पहुंचाएं, एवं उनके जो कहीं ना कहीं जो प्रश्न हैं, जो आप लोगों तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नेताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इन चीजों पर हम खरे उतरें। तो सर, आपके इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस बहुमूल्य समय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये बहुमूल्य समय दिया, एवं गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन आपके सहयोग एवं आपके मार्गदर्शन का आकांक्षी रहेगा। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए यहाँ भी जरूरत हो, आप ड्रीम फाउंडेशन जब भी कहेगा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि द्रवीभूत नहीं होना है हमको, संघर्ष में हमेशा संघर्ष का सामना किया जाता है। युवाओं को छात्र राजनीति में अपने हुनर के साथ आगे बढ़ना है, लोगों को मोटिवेट करना है, छात्र हित में छात्रों को जोड़ें, जिस क्षेत्र में भी जाना है वहां मेहनत करें। राजनीति के क्षेत्र में जाना है वहां भी मेहनत है, शिक्षा के क्षेत्र में है, हम शिक्षा खेल कूद के क्षेत्र में है, जहां जिस क्षेत्र में प्रतिभाएं अपने आप निकल कर सामने आती हैं, उसकी प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता है, थोड़े समय तक दब सकती है, लेकिन आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई करता है तो वो अव्वल आता है, कहीं ना कहीं दब आता है, लेकिन आगे जाके खेल कूद की पारदर्शिता आपके सामने है। और राजनीति में भी जो इधर उधर से आ रहे हैं उनके रास्ते अब बंद हो चुके हैं, जो मेहनत करते हैं वास्तव में वही निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसे में लोगों को कहना चाहता हूँ, और ड्रीम फाउंडेशन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में वो सतत लगे हुए हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी मुरैना का कोई कार्यक्रम हो मुझे याद करें, मैं सदा उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य समय के लिए। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
इसी के साथ मैं आपका होस्ट सत्यम गर्ग आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।